पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने सचिन वंसल उर्फ गोपाल मर्डर केस का किया खुलासा। आपको बता दें, डिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम सलेम सराय के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का रक्त रंजित शव मिला था, जिसकी चाकू से गला काटकर निर्मल हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद एक टीम बनाकर इस केस का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अमर ने रंजिशाना रखते हुए साडू को फंसाने के लिए सस्तिया का प्लान रचा था। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि उमर की शादी इसरात पुत्री फिदा हुसैन निवासी ग्राम सलेम सराय थाना डिलारी में हुई है। अभियुक्त को शक है कि इसकी पत्नी इशरात जहां को इस केस में साडू अकरम पुत्र नजाकत निवासी काजीपुरा थाना डिलारी मुरादाबाद के साथ अवैध संबंध है, जिस कारण अकरम एवं अपनी ससुराल के लोगों को फंसाने के लिए इनसे परिचित मृतक सचिन वंसल उर्फ गोपाल को धोखे से घटना स्थल पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक की लाश के पास से अपने हाथ से लिखा हुआ एक लेटर मिला, जिसमें उसके ससुराल जनों के नाम लिखे थे और पुलिस को गुमराह करने के लिए इसकी रचना रखी गई थी। ये 12/13 मार्च की रात्रि में डिडारी में ग्राम सलेम सराय के पास में खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई थी। इसमें पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने मृतक की हत्या मात्र इस कारण की कि उसके साड़ू पर उसको उसकी पत्नी से कुछ प्रेम संबंध होने के शक थे और अपने साड़ू को इस हत्या की घटना में फंसाने के उद्देश्य से इसकी हत्या अभियुक्त के द्वारा की गई। का जो था गोपाल बंसल, गोपाल और सचिन बंसल, ये अमरोहा में जोया में गैस सिलेंडर की दुकान किया करता था और अमरोहा में ही आरोपी कस्बे में रहता था। दोनों का इस प्रकार से विगत 3-4 वर्षों से एक दूसरे से परिचय आना जाना रहा और मृतक अविवाहित था, तो उसकी शादी कराने के लिए एक महिला से मिलवाने का झांसा देकर अभियुक्त उसको ले आया और अपने ससुराल के गांव के पास में मृतक की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उस घटनास्थल पर एक पर्ची डाली गई अभियुक्त के द्वारा और उस पर्ची में अपने साढ़ू व उसके परिवारीजन के कुछ लोगों के नाम लिखे गए कि इसकी घटना इन्होंने करी है, जिससे पुलिस डाइवर्ट हो जाए और पुलिस गलत दिशा में चली जाए। इस प्रकार से बड़े ही सातिर अंदाज में इस घटना को अभियुक्त के द्वारा अंजाम दिया गया। असरा आरोपी ही, चूंकि आरोपी का वह दोस्त था, मोटरसाइकिल पर वह पीछे बैठा हुआ था, महिला से मिलाने के बहाने उसको ले आया, काफ़ी देर तक इंतजार करते रहे। उसके बाद बताया गया कि वो महिला जिससे मृतक शादी करना चाहता था, उससे उसके पहले उस महिला की मुलाकात नहीं हुई थी, वो झांसा देकर उसको अभियुक्त के द्वारा ले आया गया था और वहीं पर पीछे मोटरसाइकिल पे जब बैठा तो पीछे बैठे बैठे ही अपने पैर के मोजे में छिपाए गए चाकू को निकाल कर उससे उसके गले पर प्रहार कर दिया। उसके बाद मृतक गिरा और दोनों में फिर काफ़ी देर तक आपस में जद्दोजहद हुई इनमें, और फिर परिणाम स्वरूप कई अन्य चाकुओं से वार अभियुक्त के द्वारा मृतक के शरीर पर किए गए थे। पुलिस ने वहां तहकीकात शुरू करी और जब आरोपी की पहचान जोया के निवासी के रूप में हुई और आरोपी मुरादाबाद में रामलीला ग्राउंड के पास भी विगत 2 माह से मृतक रामलीला ग्राउंड के पास मुरादाबाद शहर में विगत 2 माह से लेबर का काम किया करता था। और जब इसकी पहचान हुई तो वहां पर आसपास फिर जानकारी की गई और जानकारी करने पर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे कि यहां पर एक आरोपी उमर नाम का है, जो घटना के दिनांक को वहां गांव में देखा गया था और उसके बाद रात्रि के बाद से वह गांव में फिर नहीं दिखाई पड़ा। तो इससे पुलिस कड़ी दर कड़ी उस चीज़ों की तहकीकात करने लगी। फिर वहां पर जो पर्ची मिली थी
उस पर्ची को कुछ जानकारों के द्वारा पुलिस ने तहकीकात कराई तो पर्ची की हैंडराइटिंग, चूंकि अभियुक्त की ससुराल भी सलेम सराय गांव में ही है, तो उसकी हैंडराइटिंग को भी कुछ लोगों ने शक किया कि ये उसकी हो सकती है। और अभियुक्त का चाल चलन भी बहुत अच्छा नहीं पाया गया। उसकी पत्नी भी विगत 7 महीने से अपने मायके में रह रही है और उसके पास नहीं जाना चाहती है। तो इन सारी तथ्यों के आधार पर और सर्विलांस की भी कुछ मदद ली गई, इसमें सारे तथ्यों के आधार पर छानबीन करते हुए पुलिस अभियुक्त तक पहुंच पाई।